हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हासी रू एक नई लव स्टोरी लेकर, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में कोलमैन को दिखाया जाता है। मिस्टर हुआंग अपने सेक्रेटरी को बोलता है, तुम जल्दी से मेरी ग्रैंड डॉटर को ढूंढो, मुझे उसकी जरूरत है। इसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। सेक्रेटरी बोलता, आप परेशान मत हो, आपकी ग्रैंड डॉटर को हम जल्द ही ढूंढ लेंगे। इसके बाद हमें मिलिन को दिखाया जाता है, जो एक फूड डिलीवरी गर्ल होती है। वो कहीं पर फूड डिलीवर करने के लिए आई होती है, लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा सुनसान होती है। मिलिन बोलती है, यहाँ पर कौन रहता होगा, यहाँ पर तो किसी की आवाज भी नहीं आ रही है, लगता है यहाँ कोई भूत प्रेत रहते हैं। जिसके बाद वो अंदर पहुँच जाती है। वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जो बहुत ज्यादा पी रहा होता है। वो लड़का बोलता है, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, चलो जल्दी से अब मेरा खाना दे दो। मिलिन डरते हुए उसे खाना देने जाती है, लेकिन वो तो खाने के साथ उसका हाथ भी पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। मिलिन उसे छोड़ने के लिए बोलती है, तभी वहाँ पर मिस्टर हुआंग का सेक्रेटरी अपने गार्ड्स लेकर पहुँच जाता है। गार्ड्स उस बंदे को धो डालते हैं। सेक्रेटरी बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, लड़कियों को यहाँ बुलाकर तुम उसका फायदा उठाते हो। अगर तुमने पी ना रखी होती ना, तुम होश में होते तो मैं तुम्हें अच्छे से मजा चखा देता। पर तुम्हें मालूम है तुमने जिससे पंगा लेने की कोशिश की है वो कौन है? वो इस शहर के सबसे अमीर बंदे मिस्टर हुआंग की पोती है, जो कि खो चुकी थी। मिलिन तो ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो बंदा बोलता है, मिस्टर हुआंग की तो ऑलरेडी एक ग्रैंड डॉटर है जो उनके साथ रहती है, तो ये उनकी ग्रैंड डॉटर नहीं हो सकती। सेक्रेटरी बोलता है, तुम्हें इस मामले से दूर रहने की जरूरत है, और उसे एक और चाटा लगा देता है। मुझे उम्मीद है ये चाटा तुम याद रखोगे और दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। वो बंदा बोलता है, मैं कैसे मान लूं? मिस्टर हुआंग तो सबसे ज्यादा रईस बंदे हैं और उनकी ग्रैंड डॉटर उनके साथ ही रहती है, ये लड़की जरूर फेक है। तो सेक्रेटरी उसे दोबारा मारता है और मिलिन को बोलता है, क्या तुम इसे मारकर अपना बदला लेना चाहती हो? लेकिन मिलिन गुस्से से उसे देखने लग जाती है और उसे उसका खाना देकर बोलती है, तुम यहाँ से भाग जाओ ना, तुम गए काम से। बेचारा वो तो भाग ही जाता है। मिलिन बोलती है, तुमने ये सब झूठ क्यों बोला? सेक्रेटरी बोलता है, मिस मैंने आपको झूठ नहीं बोला, आप सच में मिस्टर हुआंग की ग्रैंड डॉटर हो, आप उनकी खोई हुई रिलेटिव हो। मिलिन बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर ये कोई ख्वाब है, वो इस कंट्री के सबसे रिचेस्ट मैन है। मिस्टर हुआंग बोलता है, आपने सही कहा, लेकिन ये ख्वाब नहीं रियलिटी है, हमने आपका डीएनए मिस्टर हुआंग से मैच किया था जो मैच हो गया है, तो आप ही उनकी ग्रैंड डॉटर है और आपके ग्रैंडफादर आपका कब से वेट कर रहे हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। नेक्स्ट सीन में वो एक बड़ी सी कार से उतरती है और सामने इतने बड़े घर को देखकर हैरान हो जाती है। मिलिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, क्या ये मेरा घर है? सेक्रेटरी बोलता है, हाँ मिस ये आपका ही घर है। जैसे ही वो अंदर आने लग जाती है, सारे सर्वेंट उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और उसे वेलकम करने लग जाते हैं। ये देखकर वो तो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, मिस्टर हुआंग उसे मिलने के लिए आ जाते हैं और मिलिन को देख कर रोने लग जाते हैं। मेरी प्यारी पोती, तुम यहाँ पर आ गई हो, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हो, मुझे माफ करना, मेरे बिना इतने साल तुम्हें अकेले ही सफर करना पड़ा। मिलिन तो बस उन्हें देखे ही जा रही होती है और मिस्टर हुआंग बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं। ये देख कर सेक्रेटरी उन्हें बोलता है, आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपको आपकी खोई हुई पोती मिल गई है। ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं खुशी हूँ, ये खुशी के आंसू हैं। जिसके बाद वो उसे अंदर लेकर आ जाते हैं। मिलिन तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में वो एक रूम में होती है और सामान को छेड़ रही होती है। फिर दो सर्वेंट वहाँ पर आ जाती है और उसे बोलती है, आप इसे ना छेड़े, ये मिस्टर हुआ की दूसरी ग्रैंड डॉटर का है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है, अगर उन्हें पता चला हमने उनके सामान को छेड़ा है तो गुस्से में आकर वो हमें मार भी सकती है। ये सुनकर मिलिन सोचती है, लगता है मिस्टर हुआंग की दूसरी ग्रैंड डॉटर काफी खतरनाक है, बाकी तो उससे मिलकर ही पता चलेगा वो कितनी बुरी है। तभी वहाँ पर मिस्टर हुआंग आ जाते हैं और मिलिन से पूछते हैं, तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा है ना, अगर तुम्हें अपने घर की याद आ रही है तो तुम वहाँ पर भी जा सकती हो। मिलिन बोलती है, मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे मुझे यहाँ की आदत भी हो जाएगी। मिस्टर हुआंग बोलता है, चलो हम बैठकर बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों बैठे होते हैं। मिस्टर हुआंग उसे बताते हैं, मैं बड़े समय से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बहुत लोगों को तुम्हें ढूंढने के लिए भी भेजा था, एक बार वो एक लड़की को मेरे सामने लेकर आ गए, वो मेरी ग्रैंड डॉटर नहीं थी, फिर भी मैंने उसे अपनी ग्रैंड डॉटर की तरह ही ट्रीट किया है।
मिलन बोलती है, मैं समझ गई आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप परेशान मत हो, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम शीना होता है, जिसमें बहुत ज्यादा ही एटीट्यूड होता है, और यही ग्रैंडपा की दूसरी ग्रैंड डॉटर होती है। वो आते ही सोफे पर बैठ जाती है और अपने सर्वेंट को ऑर्डर देने लग जाती है, जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। तभी वहाँ पर मिलन भी आ जाती है। शीना उसे देखकर बोलती है, ये लड़की तुम मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। मिलन उसकी तरफ देखकर बोलती है, क्या तुम मुझे बोल रही हो? शीना बोलती, हाँ मैं तुम्हें ही बोल रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? शीना बोलती है, तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस से देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तुम यहाँ पर सर्वेंट हो और मैं यहाँ की मालकिन हूँ। वैसे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है आप सर्वेंट भी झूठ बोलने लग गए हैं। शीना बोलती है, मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ। शीना बोलती है, तो तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? दूसरी सर्वेंट बोलती है, ये इस घर की एल्डेस्ट लेडी है। शीना गुस्से में उस सर्वेंट को थप्पड़ मारती है। एल्डेस्ट लेडी तो मैं हूँ ना, और उसे दोबारा मारने वाली थी, लेकिन मिलन उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम ऐसे बेफालतू में इन्हें नहीं मार सकती हो, माना कि ये सिर्फ सर्वेंट है, पर तुम किसी को ऐसे हर्ट नहीं कर सकती हो, है तो वो इंसान ही ना। शीना बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरा हाथ पकड़ने की? ये दोनों आपस में लड़ी रही होती है, तभी सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाता है और मेट्स को वहाँ से जाने का इशारा कर देता है। सेक्रेटरी शीना को बताता है, ये इस घर की एल्डेस्ट लेडी है, यानी कि ग्रैंडपा की खोई हुई पोती। शीना बोलती है, वो तो मैं हूँ ना, और मिलन के साथ लड़ने लग जाती है। तभी ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं, उन्हें देखकर शीना की तो बोलती बंद हो जाती है। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम लोगों ने शोर क्यों मचा रखा है? और शीना को बोलते हैं, ये मेरी खोई हुई ग्रैंड डॉटर है, अगर तुमने इसके साथ फिर से बदतमीजी की तो मैं भूल जाऊंगा कितने सालों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हें भी मैंने अपनी पोती की तरह रखा है, तुम्हें इसके साथ बहनों की तरह रहना होगा, तभी तुम इस घर में रह सकती हो। शीना बोलती है, ग्रैंडपा मैं तो मजाक कर रही थी, ये तो मेरी सिस्टर है ना। ग्रैंडपा मिलन से पूछते हैं, क्या ये सच बोल रही है? मिलन शीना की तरफ देखती है, शीना उसे इशारा करती है, प्लीज झूठ बोल दो, तो मिलन उसकी बातों में फंस जाती है और हाँ बोल देती है, आप सही कह रहे हो, हम दोनों बस यहाँ पर मजाक ही कर रहे थे। जिसके बाद ग्रैंडपा सेक्रेटरी को इशारा करते हैं, सेक्रेटरी वहाँ पर कुछ पेपर्स लेकर आ जाता है, वो पेपर्स वो ग्रैंडपा को देने लग जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं, ये मेरे सबसे बड़े घर के पेपर हैं, जो कि ज़ियांग सिटी में है, और ये घर मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। शीना तो ये देखकर शॉक हो जाती है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ग्रैंडपा इसके नाम कैसे कर सकते हैं? मैं तो कितने टाइम से इनके पीछे पड़ी थी, इन्होंने कभी ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं दी और इसको दे रहे हैं। मिलन बोलती है, मैं इतने बड़े घर को कैसे ले सकती हूँ, ये बहुत ही महंगा है। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम नहीं लोगी तो कौन लेगा, ये सब कुछ तुम्हारे डैड का ही है, इसलिए अब मैं ये तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। जिसके बाद मिलन उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ग्रैंडपा सेक्रेटरी को इशारा करता है, तो सेक्रेटरी एक महंगा सा हार निकालता है, वो भी मिलन के लिए होती है। शीना तो ये देखकर शॉक हो जाती है, मिलन को वो ज्वेलरी बहुत पसंद आती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा अपनी दोनों पोतियों के साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। ग्रैंडपा मिलन से पूछते हैं, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर मिलन तो शॉक हो जाती है और बोलती है, ग्रैंडपा फिलहाल मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ग्रैंडपा बोलते हैं, तो मैं तुम्हारी बात चलाऊं क्या यूसु कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ? शीना बोलती है, क्या मतलब आप चाहते हो ये लीमन के साथ रिश्ता बनाए? मिलन बोलती है, मुझे नहीं मालूम ये लीमन कौन है। शीना बोलती है, तुम्हें नहीं मालूम पर वो बहुत ही ज्यादा अमीर लड़का है, ज़ियांग सिटी में उसके बहुत ज्यादा घर भी हैं। वो बहुत ही छोटी उम्र में एक बड़ा कामयाब बिजनेसमैन बन गया है। ग्रैंडपा मिलन को समझाते हैं, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो अब्रोड में भी काम करता है और 3 महीने बाद वो अब्रोड से वापस आ जाएगा। वो मेरे फ्रेंड का बेटा है और बचपन में वो चाइल्ड वेलफेयर में भी रहा था। ये सुनकर मिलन पूछती है, क्या आपके पास उसकी कोई फोटो है? शीना बोलती है, उसकी कोई फोटो नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बंदा है, उसने कभी अपनी फोटो किसी को शेयर नहीं की, इवन बहुत कम लोगों ने ही उसे देखा हुआ है। ग्रैंडपा बोलते हैं, मैंने भी उसे कभी नहीं देखा, लेकिन वो बहुत ही अच्छा इंसान है। शीना बोलती है, क्या आप मेरा रिश्ता उससे नहीं करा सकते? ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए किसी और अच्छे लड़के को ढूंढ लूंगा, उसे तो मैंने अपनी पोती मिलन के लिए ही चूज किया है। शीना बोलती है, मुझे नहीं मालूम, मुझे उससे ही शादी करनी है। मिलन बोलती है, चलो हम एक गेम खेलते हैं, जो 3 महीने बाद सबसे पहले उसे डेट करने पहुंच जाएगा वही उससे शादी करेगा। ग्रैंडपा तो ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन शीना ओके बोल देती है।
ग्रैंडपा बोलते हैं, जब तुम दोनों बहनों ने फैसला ले ही लिया है तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। ग्रैंडपा के वहाँ से जाते ही मिलन सोचती है, वैसे भी मुझे उस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा हुआ यही उसके पास चली जाएगी और मेरी जान छूटेगी। शीना मिलन को आकर बोलती है, मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना। मिलन बोलती है, वैसे भी मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो अपने रूम में आ जाती है। उसके हाथ में एक लॉकेट होता है। वो उस लॉकेट को बड़े ध्यान से देखने लग जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब वो छोटी होती है तो रो रही होती है, तभी एक लड़का उसके पास आता है और बोलता है, तुम रो मत। इवन वो लड़का उसे अपना लॉकेट भी देता है, ऐसा फ्रेंड तुम इसे रख सकती हो। तो मिलन उस लॉकेट को उससे ले लेती है। प्रेजेंट में मिलन सोच रही होती है, तुम कहाँ पर हो और तुम दोबारा कब मुझसे मिलोगे। इसके बाद हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। लीवन अब रोड से वापस आ जाता है। वो कपड़े चेंज कर रहा था, उसका सेक्रेटरी उसे कपड़े ला कर देता है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में बैठा होता है और सामने उसका सेक्रेटरी बैठा था। लीवन एकदम ऑर्डिनरी लड़की की तरह रेस्टोरेंट में बैठा होता है। उसका सेक्रेटरी उसे कॉल कर बोलता है, बॉस क्या आप ये करना चाहते हो। लीवन उसे बोलता है, मैंने इतने सिंपल कपड़े पहने हैं कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं लीवन हूँ, सभी तुम्हें ही लीवन समझेंगे। तभी शीना तैयार होकर वहाँ पर पहुँच जाती है और सेक्रेटरी को देखकर समझ जाती है, जरूर यही लीमन होगा। जिसके बाद वो उसके सामने बैठकर पूछती है, क्या आप ही मिस्टर लीमन हो। वो भी हाँ बोल देता है। थोड़ी देर बाद मिलन भी वहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को देखकर बोलती है, अच्छा वो ये टाइम पर पहुँच गई और ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी उसकी नज़र पीछे बैठे लीमन पर जाती है और बोलती है, मुझे जाकर बात करनी होगी ताकि मैं ग्रैंडपा को बता सकूं कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। ये सोचने के बाद वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे। लीमन तो ये सुनकर ही शॉक हो जाता है और उससे पूछता है, ऐसा मुझ में तुमने क्या देख लिया जो तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो। कौन सी चीज तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है मुझ में। मिलन बोलती है, तुम्हें अट्रैक्शन जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर वाले मुझे फोर्स कर रहे हैं ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है किसी से भी शादी करने का, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। लीमन सोचता है, मेरी भी ग्रैंड माँ मुझे फोर्स कर रही है बार बार शादी करने के लिए, अच्छा रहेगा मुझे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इससे मेरा भी काम बन जाएगा। लीमन उसे बोलता है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए मैं तुम्हारी डील को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये दोनों हैंडशेक कर लेते हैं। मिलन उसे अपना फोन दे देती है, इसमें अपना नंबर सेव कर दो। जिसके बाद वो अपना फोन लेकर जाने लगती है। लीमन पूछता है, कहाँ जा रही हो। मिलन बोलती है, मुझे तुम्हारा नंबर मिल गया है तो जब तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। लीमन तो बस देखता रह जाता है। इधर शीना सेक्रेटरी के साथ बैठी होती है। वो उसे बोलती है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कुछ दिनों के बाद हमारी शादी होने वाली है। ये सुनकर सेक्रेटरी के मुंह से तो कॉफी ही बाहर आ जाती है और उसे बोलता है, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शीना बोलती है, कहाँ जा रही हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई। सेक्रेटरी बोलता है, पसंद की बात नहीं है, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठते। ये बोलकर वो चला जाता है। शीना को तो गुस्सा आ जाता है, अब मैं क्या करूंगी। इसके बाद ये दोनों बहनें घर आती है, सामने ग्रैंडपा बैठे होते हैं। ग्रैंडपा पूछते, बताओ तुम लोगों की डेट कैसी गई। शीना बोलती है, मेरी डेट तो बहुत ही अच्छी गई, हम दोनों को तो पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया। जिसके बाद ग्रैंडपा मिलन को बोलते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक और अच्छे लड़के को ढूंढ लूंगा। मिलन बोलती है, ग्रैंडपा ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहले मैंने आपको झूठ बोला था, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। ग्रैंडपा हंसने लग जाते हैं, तुमने ये बात मुझसे छिपाई क्यों। मिलन बोलती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। ग्रैंडपा बोलते हैं, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ अच्छे से रहता है। मिलन बोलती है, ग्रैंडपा परेशान मत हो, वो मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करता है। ये सुनकर ग्रैंडपा तो स्माइल करने लग जाते हैं। मिलन बोलती है, मैं आपसे एक और बात करना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं मेरे डैड और आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं भी कंपनी को ज्वाइन कर लूँ। ये देखकर शीना तो गुस्से से उसे देखने लग जाती है, अगर इसने कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो सारी कंपनी ये ही हड़प जाएगी, ग्रैंडपा सारा बिजनेस इसके ही नाम कर देंगे, उसके बाद मेरा क्या होगा। ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं नहीं चाहता तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मेहनत करो, पर मुझे पूरा यकीन है तुम कंपनी को अच्छे से संभाल लोगी, इसलिए जब तुम्हारा दिल चाहे तुम कंपनी में आकर काम कर सकती हो। अभी शीना बीच में बोलने लग जाती है, ग्रैंडपा मैं भी वहाँ पर आकर काम करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं, पर तुम्हें तो इन सब में इंटरेस्ट नहीं था ना। शीना बोलती है, लेकिन अब मैं करना चाहती हूँ और अपनी बहन का भी ख्याल रखना चाहती हूँ,
मिलन बोलती है, ग्रैंडपा मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं नहीं चाहती मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में कंपनी को किसी को भी पता चले, क्योंकि मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूँ। शीना तो ये सुनकर खुश हो जाती है, कंपनी में जब इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा तो सभी लोग मुझे ही वैल्यू देंगे। ग्रैंडपा भी उसकी रिक्वेस्ट को मान लेते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट डे मिलन तैयार होकर स्कूटी पर कंपनी में पहुंच जाती है और शीना अपनी कार में आती है। शीना मिलन को देखकर बोलती है, तुम यहाँ पर स्कूटी पर आई हो, वैसे भी तुम पहले एक डिलीवरी गर्ल ही थी। मिलन बोलती है, तो क्या हो गया, हमें तो बस ऑफिस ही आना था ना, चाहे अब हम कार से आए या फिर स्कूटी से, क्या फर्क पड़ता है। जिसके बाद वो दोनों ऑफिस के रिसेप्शन पर वेट कर रही होती हैं। फिर वहाँ पर डायरेक्टर आ जाती है और सोचती है इन दोनों में से अमीर कौन है। तो मिलन को देखकर सोचती है, इसने तो बड़े साधारण से कपड़े पहने हैं, ये पक्का रिच नहीं हो सकती। और शीना के कपड़े को देखकर सोचती है, इसने कितने महंगे कपड़े पहने हैं, तो ये जरूर अमीर खानदान से होगी। मिलन डायरेक्टर को देखकर हाय बोलने लग जाती है, लेकिन डायरेक्टर उसे इग्नोर कर शीना के पास आ जाती है। शीना समझ जाती है इन्हें मिलन की रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, तो मजा आने वाला है, इस पावर को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इधर एक एम्प्लॉय दो कलीग्स को आकर बताने लग जाता है, तुम्हें पता है ऑफिस में दो लड़कियां काम करने के लिए आई है, जिसमें से एक मिस्टर हुआंग की ग्रैंड डॉटर है। उसमें से एक एम्प्लॉय तो हैरान हो जाती है, इतनी अमीर लड़की यहाँ पर काम करने के लिए आई है। टूना नाम की लड़की बोलती है, मुझे लगता है हमें उससे फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, इससे हमें फायदा होगा। इधर डायरेक्टर इन दोनों को बता रही होती है कि उन्हें काम कैसे करना है, तभी लूना आकर इन दोनों को सोच रही होती है इनमें से रिच कौन है, और शीना के कपड़ों को देखकर वो समझ जाती है जरूर यही मिस्टर हुआंग की ग्रैंड डॉटर होगी। इसके बाद वो शीना के पास आकर सिर्फ उसे ही वैल्यू दे रही होती है और उसे बोलती है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो खाने पीने की तो मुझे बताना, मैं आपके लिए ला कर दूंगी। शीना को तो बड़े मजे आ रहे होते हैं, क्योंकि मिलन को कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही थी। डायरेक्टर बताती है, कुछ दिनों के बाद हमारे एक बड़े बिजनेसमैन के साथ डील होने वाली है, इसलिए हम लोगों को बहुत ही अच्छे से काम करना होगा। जिसके बाद ये दोनों अपनी सीट पर आकर बैठ जाती हैं। और इधर लूना शीना के पास आकर खड़ी हो जाती है। शीना बोलती है, ऑफिस के बाद मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आएगा। लूना बोलती है, तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो और अमीर भी हो, जरूर तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी इतना ही अच्छा होगा, जरूर वो मिस्टर लीमैन जैसा कोई अमीर इंसान होगा, लीमैन इतना ज्यादा हैंडसम है कि उसके पीछे इतनी सारी लड़कियां भी पड़ी हुई हैं। मुझे तो लगता है कहीं वही तो आपका बॉयफ्रेंड नहीं है। शीना बोलती है, ऑफ कोर्स वही मेरा बॉयफ्रेंड है। लूना तो हैरान हो जाती है। शीना बोलती है, आज वही मुझे लेने आएगा, इसलिए तुम लोग चले जाना, मैं उसी के साथ घर जाऊंगी। ऑफिस खत्म होने के बाद सभी लोग जा रहे होते हैं। एम्प्लॉय शीना को बोलते हैं, तुम्हें तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड लेने आएगा ना। शीना बोलती, हाँ वही लेने आएगा, और मन में सोच रही होती है, लीमैन तो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, अब ये सब कुछ मैं कैसे मैनेज करूंगी। लूना मिलन को खड़ा हुआ देखकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन मिलन उसे कोई भी जवाब नहीं देती। तभी एक बड़ी सी कार आ जाती है, मिलन उसमें बैठकर निकल जाती है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं, ये इतनी बड़ी कार में कैसे जा सकती है। शीना बोलती है, पहले ये डिलीवरी गर्ल थी, इसका बॉयफ्रेंड है, जरूर उसने कार रेंट पर ली होगी, क्योंकि ये दोनों ऐसे ही करते हैं। एम्प्लॉय पूछते हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं आया। शीना बोलती है, अभी उसका मैसेज आया है, तुम लोग चले जाओ, उसे कुछ काम आ गया है इसलिए वो नहीं आ पाएगा। इधर मिलन लीमैन के साथ कार में बैठी रोती है। मिलन उसे थैंक यू बोलती है। लीमैन बताता है, मेरी ग्रैंडमा ने कुछ लोगों को मुझ पर नजर रखने के लिए रखा हुआ है, इसीलिए मुझे ये दिखाने के लिए करना ही होगा कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। मिलन बोलती है, इसका मतलब तुम एक्टिंग कर रहे हो, वैसे तुमने ये कार कहाँ से ली, उस दिन तुम्हारे कपड़े मैंने देखे थे, तुम तो कहीं से भी रिच नहीं लग रहे थे। लीमैन झूठ बोल देता है, मैंने ये कार रेंट पर ली है बस तुम्हें पिकअप करने के लिए। मिलन पूछती है, तुम काम क्या करते हो। लीमैन तो घबरा जाता है और बोल देता है, मैं असिस्टेंट हूँ उस ग्रुप कंपनी में। मिलन बोलती है, इसका मतलब तुम लीमैन के असिस्टेंट हो, तो वो हाँ बोल देता है। मिलन बोलती है, तुम्हारा बॉस कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है, उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। मिलन अपनी लोकेशन पर पहुंच जाती है और सीट बेल्ट निकालने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं निकल रही होती, तो लीमैन उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है, लेकिन उसे तो कुछ और लग रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो। लीमैन उसे सीट बेल्ट निकाल कर दिखाता है, देखो ये कर रहा था। वैसे तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, वैसे अब तुम जा सकती हो, तुम्हारा घर आ चुका है। मिलन तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में मिलन के ग्रैंडपा और
मिलन की ग्रैंडमा मिलकर बातें कर रही होती हैं। ग्रैंडमा बार बार मिलन का ही नाम ले रही होती है। ये सुनकर ग्रैंडपा तो अंदर ही अंदर परेशान हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था शीना और लीमन ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट डे ऑफिस में सभी लोग बार बार जानकर मिलन को परेशान किए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जियांग सिटी के घरों में जाने की बात हो रही होती है। लूना बोलती है वहाँ तो बहुत ही ज्यादा रिच लोग रहते हैं, हम तो वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकते हैं। तभी डायरेक्टर शीना को देखकर बोलती है तुम्हारा तो वहाँ पर घर है ना, तुम तो बड़े आराम से वहाँ पर जा सकती हो, इवन हमें भी लेकर जा सकती हो, क्या तुम हमें लेकर चलोगी वहाँ पर? शीना तो डर जाती है और सोच रही होती है अब मैं क्या करूँ। मिलन भी उसकी तरफ देख रही होती है। शीना सोचती है मैं इन लोगों को ना भी नहीं बोल सकती, वरना इन लोगों को सच पता चल जाएगा, इसलिए बोल देती है ऑफकोर्स हम लोग वहाँ पर जाएंगे और पार्टी करेंगे और सारा इंतजाम मेरी तरफ से। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। शीना वहाँ से जाने लगती है। मिलन आकर उसे बोलती है तुम्हारा तो वहाँ पर कोई घर नहीं है, तो तुम इन्हें कैसे लेकर जाओगी वहाँ पर? मैं सोच रही हूँ तुम कौन सा घर बुक करने वाली हो वहाँ पर, ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शीना सभी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन गार्ड उन्हें रोक लेता है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते हो। गार्ड मिलन की तरफ देखकर मिस कहने वाला था, लेकिन मिलन इशारा कर देती है, इसलिए गार्ड चुप हो जाता है। शीना बोलती है मुझे अंदर जाने दो, यहाँ पर मेरा भी घर है, अगर तुमने मुझे अंदर जाने से रोका तो कल से तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। गार्ड बताता है अंदर जाने के लिए पास की जरूरत होती है। मिलन जल्दी से पास दिखाती है, अब हमें अंदर जाने दो। सभी एम्प्लॉय बोलने लग जाते हैं पास इसके पास क्या कर रहा है। शीना मिलन पर इल्जाम लगा देती है तुमने मेरा पास चोरी किया है ना। लूना बोलती है ओ तो तुम चोरी भी करती हो। मिलन बोलती है मैंने ये चोरी नहीं किया है, तुम जाकर काउंटर पर चेक कर सकती हो, ये कार्ड मेरा ही है। शीना बात को काटते हुए बोलती है हमें इसकी बातों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, चलो हम अंदर चलते हैं। शीना घर के अंदर जाने लगती है और वो पास निकालकर घर का लॉक खोल लेती है। मिलन पूछती है तुम्हारे पास कार्ड कैसे आ सकता है। शीना बोलती है मैं भी ग्रैंडपा की पोती हूँ तो कार्ड मेरे पास भी हो सकता है ना। मिलन सोचती है जरूर इसने मेरा ही कार्ड चोरी किया होगा, इसके पास कहाँ से आएगा। सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। मिलन चाय लेकर जा रही होती है, तभी लूना जानकर उसे धक्का मार देती है, सारी चाय लूना के ड्रेस पर गिर जाती है और वो जानकर सारा इंजाम मिलन पर डाल देती है, तुमने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी है, अब तुम्हें इसके पैसे भरने पड़ेंगे। सभी लोग मिलन को सुनाने लग जाते हैं, जो सुनकर मिलन को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बाकी की सारी चाय भी लूना के ऊपर गिर देती है। डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है, वो मिलन को डांटने लग जाती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई दूसरे के घर में घुसकर इस तरीके की हरकतें करने की। मिलन बोलती है ये दूसरों का घर नहीं है, ये मेरा ही घर है। सभी लोग शीना से पूछते हैं क्या ये लड़की ठीक बोल रही है। शीना बोलती है ऐसी मामूली सी इंटर्न इतने बड़े घर की मालकिन कैसे हो सकती है। मिलन शीना के पास आकर बोलती है मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो, वरना मैं आज तुम्हारी सारी पोल पट्टी इन लोगों के सामने खोल दूंगी। शीना जल्दी से खड़े होकर बोलती है पार्टी खत्म हो गई है। डायरेक्टर बोलती है लेकिन अभी तो हम आए हैं। शीना बोलती है नहीं अब मेरा मूड खराब हो गया है, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिलन शीना को बोलती है तुमने एक छोटी सी बात पर इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया, वैसे ये कार मेरा है, तुमने क्लीनिंग आंटी से मेरा कार चोरी करवाया है ना, और तुम्हारे बाकी के सारे झूठ भी मुझे अच्छे से मालूम है, इसलिए कल ऑफिस जाकर तुम लूना को बोलना कि तुमने देखा था मुझसे चाय गलती से गिरी थी, तुम्हें इस बात का कन्फेस सबके सामने करना ही होगा। शीना बोलती है भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। मिलन बोलती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस को बता दूंगी, तुमने मेरे घर का पास चोरी किया था और मेरे घर में घुस आई थी। ये सुनकर शीना तो डर जाती है। नेक्स्ट डे लूना फिर से मिलन के पास अपनी ड्रेस लेकर पहुंच जाती है। तुमने जानकर जेलसी की मारी चाय मेरी ड्रेस पर गिराई थी ना, अब तुम्हें ही इस ड्रेस के लिए पैसे पे करने होंगे। तभी शीना बोलती है इसने तुम्हारी ड्रेस पर जानकर चाय नहीं गिराई थी, गलती से गिर गई थी। लूना बोलती है क्या फर्क पड़ता है अगर तुमने जानकर गिराई या बिना जाने गिराई, मेरी ड्रेस तो खराब हो गई है ना। तभी डायरेक्टर आकर सभी को बोलती है हमें यूसुफ कंपनी के नए प्रोजेक्ट के लिए एक नया डिजाइनर चाहिए। लूना बोलती है यूसुफ कंपनी का प्रेसिडेंट तो शीना का बॉयफ्रेंड है, शीना हमारी हेल्प कर सकती है। शीना बोलती है लीमन बहुत ही ज्यादा चूसी बंदा है, उसे जल्दी से किसी के डिजाइन पसंद नहीं आते। डायरेक्टर बोलती है लास्ट टाइम जिसने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मारिया डिजाइन वाले थे, वो लोग बहुत टॉप के डिजाइन बनाते हैं, हमारे डिजाइन उनके आगे तो कुछ भी नहीं है।
मिलन सोचती है इसका मतलब मेरे डिजाइन को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है, और सभी से पूछती है बताओ प्रोजेक्ट को लीड कौन करेगा। सभी लोग पीछे हो जाते हैं और मिलन आगे खड़ी हो जाती है। मिलन बोलती है क्या मुझे करना होगा, डायरेक्टर हाँ बोल देती है। वो प्रोजेक्ट उसके हाथ में देकर वहाँ से चली जाती है। इधर ग्रैंडमा अपने पोते से बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, तुमने अभी तक मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलाया है, मुझे तो लगता है तुमने मुझे झूठ कहा है ताकि मैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ तय ना कर दूं। लीवन बोलता है मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूंगा, मेरी सच में गर्लफ्रेंड है। ग्रैंडमा बोलती है ओके तो नेक्स्ट थर्सडे तुम मेरी उसके साथ मीटिंग फिक्स कर दो। ये बोलकर ग्रैंडमा तो चली जाती है, लेकिन मिस्टर लीमन के सर में दर्द हो जाता है, अब मैं क्या करूंगा। तभी लीमन को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, वो उसे बताता है आपको डिजाइनर के लिए कंपनी में जाना होगा। लीमन ओके बोल देता है ठीक है मैं खुद वहाँ पर चला जाऊंगा। इधर डायरेक्टर सभी को बताती है प्रेसिडेंट लीमन खुद यहाँ पर आ रहे हैं प्रोजेक्ट को देखने के लिए, वो अपने असिस्टेंट को नहीं भेज रहे। मिलन तो परेशान हो जाती है असिस्टेंट नहीं आएगा क्या। इधर शीना भी परेशान हो जाती है अगर लीमन खुद इस कंपनी में आ गया तो सभी को पता चल जाएगा वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लूना शीना को बोलती है मिस्टर लीमन खुद यहाँ पर आ रहे हैं इसका मतलब वो खुद तुम्हें देखना चाहते हैं इसीलिए अपने असिस्टेंट को नहीं भेज रहे। थोड़ी देर बाद लीमन डायरेक्टर के साथ कंपनी में आ जाता है लेकिन उसने अपने फेस पर मास्क लगाया होता है। डायरेक्टर बताती है ये कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है। सभी खड़े हो जाते हैं और मिस्टर लीमन को देखने लग जाते हैं, लेकिन मिस्टर लीमन तो सिर्फ मिलन को देख रहा होता है। मिलन सोचती है ये मुझे क्यों घूर रहा है। लीमन पूछता है इस प्रोजेक्ट का हेड कौन है। डायरेक्टर बताती है मिस मिलन ये हमारे इंटर्न है। मिलन सोचती है इस बंदे की आवाज जानी पहचानी सी लग रही है। मिलन उसे अपने डिजाइन की फाइल दे देती है आप देखकर बताएं कि आपको ये कैसे लगे। लीमन डिजाइन को देखने लग जाता है और बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा एक इंटर्न इतने अच्छे डिजाइन कैसे बना सकती है। शीना को तो गुस्सा आ जाता है ये तो मामूली सी डिलीवरी गर्ल है इसे डिजाइन बनाने नहीं आते, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मिस्टर लीमन बोलता है तो तुम्हें मुझ पर डाउट हो रहा है कि मैं लोगों के टैलेंट को पहचान नहीं पाता। शीना बोलती नहीं ऐसी बात नहीं थी। लीमन मिलन को बोलता है क्या तुम ऑफिस में आकर मेरे साथ आराम से बात कर सकती हो। डायरेक्टर बोलती है ऑफ कोर्स आप इसे लेकर जा सकते हैं। लीमन उसे ले जाता है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। शीना और लीमन तो कपल थे ना, पर इनकी बातों से तो ऐसा फील नहीं हो रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। इवन वो तो शीना पर गुस्सा हो रहा था और ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो शीना को जानता ही नहीं है। शीना भी ये सब सुन लेती है तुम लोग अपने काम पर ध्यान नहीं दे सकती हो क्या। इधर ये लोग केबिन में जा ही रहे होते हैं, लीमन अचानक से रुक जाता है जिसकी वजह से मिलन का सर फूट जाता है और मिलन बोलती है तुम अचानक से क्यों रुके। लीमन उसे बड़े ध्यान से देखने लग जाता है, मिलन भी उसे देख रही होती है। डायरेक्टर बोलती है आप लोग बैठकर यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं मैं बाद में आती हूँ। डायरेक्टर के जाते ही लीमन मिलन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। लीमन उसे दूर होकर बोलती है हमें प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी चाहिए। लीमन उससे वो फाइल ले लेता है। मिलन बोलती है हमें तो पता चला था आपका असिस्टेंट यहाँ आने वाला है तो आप खुद यहाँ पर कैसे आ गए। लीमन बोलता है लगता है तुम्हें मेरे आने से यहाँ पर खुशी नहीं मिली। मिलन बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है। लीमन बोलता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम मेरे असिस्टेंट से मिलना चाहती हो। आपको काट देती है हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। लीमन बोलता है मैंने मारिया ग्रुप के साथ पहले भी काम किया है मुझे यकीन नहीं हो रहा एक टॉप डिजाइनर एक इंटर्न के रूप में काम कैसे कर सकती है। मिलन बोलती है अब जब तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता चल गई है तो हम साथ में फ्यूचर में अच्छा काम कर पाएंगे। लीमन तो उसके पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, इवन उसका हाथ भी पकड़ लेता है। मिलन बोलती है मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। लीमन बोलता है तो उससे ब्रेकअप कर लो। मिलन बोलती है नहीं हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अभी हमें सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में ही बात करनी चाहिए। अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। लीमन उसकी तरफ देखकर बोलता है ये लड़की काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे ही मिलन वापस आती है शीना बोलती है तुम तो करेक्टर लेस हो तुम तो प्रेसिडेंट को भी अपने साथ अंदर ले गई। मिलन तो गुस्से में आकर उसे चाटा लगा देती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी करेक्टर के बारे में इस तरीके की बातें करने की। तुम पहले भी मुझसे इस तरीके से पंगे ले चुकी हो लेकिन ग्रैंडपा की खातिर मैं चुप थी आगे से मेरे करेक्टर पर जाने की जरूरत नहीं है। शीना भी गुस्से में उसे धरने वाली होती है लेकिन लीमन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं तुम्हारे बारे में इतना नहीं जानता लेकिन अपना ये गुस्सा अपने पास ही रखो। डायरेक्टर बोलती है मिस्टर लीमन आप अपनी गर्लफ्रेंड से इस तरीके से बात कैसे कर सकते हैं।
लीमन बोलता है, क्या कहा गर्लफ्रेंड, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। कौन बंदा इस तरह की अफवाहें फैला रहा है बताओ मुझे। और मीरन को अपने पास कर कर बोलता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। मीरन उसे बोलती है, इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत है। लीमन बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जिसके बाद वो अपनी कैप और मास्क हटा देता है। सभी लोग उसे हैरानगी से देखने लग जाते हैं। शीना को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन तो तुम नहीं थे, कोई और बंदा था। लीमन बोलता, हाँ वो मैं नहीं, मेरा असिस्टेंट था। तुम एक एरोगेंट टाइप की लड़की हो और मुझे अरेंज मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी जगह अपने असिस्टेंट को वहाँ पर बिठा दिया था कि मेरी शादी कैंसिल हो जाए। ये सुनकर सभी की सिट्टी पिटी गुल हो जाती है। मीरन पूछती है, तो तुमने मेरे सामने ऐसे प्रटेंड क्यों किया जैसे कि तुम मिस्टर लीमन के असिस्टेंट हो। लीमन बोलता है, इसकी कुछ वजह है और वो वजह जानने के लिए तुम्हें थर्सडे को मेरे घर आना होगा। और वो उसे अपने घर का एड्रेस देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अचानक से वो वापस आकर बोलता है, तुम्हारे डिजाइन बहुत ही अच्छे हैं मारिया, नेक्स्ट टाइम हम तुम्हारे साथ ही काम करेंगे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्या मारिया ग्रुप तुम्हारा है, तुम्हें मिस्टर लीमन की गर्लफ्रेंड हो। मीलन हाँ बोल देती है, और कौन हो सकता है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सभी लोग शीना को घूरने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शीना अपनी मोम के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। मीलन भी वहाँ आ जाती है और रिकॉर्डिंग करने लग जाती है। शीना अपनी मोम के साथ बहस कर रही होती है। उसकी मोम बोलती है, अब तुम जल्दी से घर वापिस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। इतने सालों से तुम मुझसे दूर हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। शीना बोलती है, मैं इतने बड़े घर में रहती हूँ, मैंने आपको कितनी बार बोला था आप मेरे पास मत आना। मैंने उन लोगों को झूठ बोला हुआ है, अगर आप ऐसे मुझसे मिलने आओगी तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए दोबारा कभी मुझसे मिलने के लिए नहीं आना। मोम तो मिन्नतें करने लग जाती है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। लेकिन शीना बोलती है, मैं आपको नहीं जानती, और वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें मीलन ने रिकॉर्ड कर ली होती है। नेक्स्ट सीन में थर्सडे आ जाता है, इसलिए मीलन लीमन के घर पहुंच जाती है। सर्वेंट बड़े प्यार से उसका वेलकम करती है और उसे लीमन की ग्रैंडमा के पास लेकर रह जाती है। ग्रैंडमा तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मीलन बोलती है, मुझे नहीं पता था आप मुझे यहाँ मिलने वाली है, वरना मैं आपके लिए कोई तोहफा जरूर लेकर आती। ग्रैंडमा बोलती है, तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे पोते ने तुम्हें अपने लिए चूज किया है। लेकिन मीलन को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता था ग्रैंडमा उसे अपने बहू के तौर पर पसंद कर रही है। लीमन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे वेलकम करता है। मीलन उसे बोलती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम मुझे ग्रैंडमा से मिलवाने वाले हो, मैं इनके लिए कोई तोहफा लेकर आ जाती। लीमन बोलता है, तुमने ऑलरेडी इनके लिए तोहफा लिया तो हुआ है। वो अपने सर्वेंट को इशारा करता है, वो गिफ्ट लेकर आ जाती है। उसमें एक खूबसूरत सा ड्रेस होता है जो मीलन ने ही डिजाइन किया होता है। लीमन अपनी ग्रैंडमा को बताता है, मारिया कंपनी इसी की है और ये ड्रेस भी इसी ने ही डिजाइन किया है। ग्रैंडमा तो बहुत खुश हो जाती है, ये बहुत ही सुंदर ड्रेस है। मीलन बोलती है, हमारी कंपनी ओल्ड लेडीज के लिए भी कपड़े डिजाइन करती है ताकि वो भी कंफर्टेबल कपड़े पहन सके। ग्रैंडमा बोलती है, चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। मीलन लंगड़ाकर चलने लग जाती है। लीमन उसके पैर की तरफ देखता है तो उसके पैर में से ब्लीडिंग हो रही होती है। ग्रैंडमा लीमन को बोलती है, तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं अभी रेस्ट करने जा रही हूँ। ग्रैंडमा के जाते ही ये दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। मीलन अपने पैर की तरफ टच कर रही होती है जो लीमन देख लेता है, इसलिए वो स्लीपर उठाकर लेकर आ जाता है, हील निकाल कर उसे स्लीपर्स पहना देता है। मीलन तो बस उसे देख ही जा रही होती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो। लीमन बोलता है, जब तुमसे हील पहनी नहीं जाती तो क्यों पहन रही हो, फैशन उतना ही करो जितना तुम कर सकती हो। ये देख कर मीलन को तो अपने बचपन का दोस्त याद आ जाता है, उसने उसे वो लॉकेट दिया था। प्रेजेंट में मीलन बोलती है, ये सब मैं खुद कर लूंगी। जैसे ही वो झुकती है वो लॉकेट बाहर आ जाता है जो लीमन देख लेता है। लीमन तो उस लॉकेट को देखकर स्माइल करने लग जाता है। मीलन बोलती है, दांत क्यों फाड़ रहे हो। लीमन बोलता है, मुझे नहीं मालूम था किस्मत हम दोनों को इस तरीके से मिलाएगी। मीलन बोलती है, इसका क्या मतलब है। लीमन पूछता है, तुम्हें ये लॉकेट कहाँ से मिला। मीलन बताती है, ये मुझे मेरे दोस्त ने दिया था। लीमन बोलता है, कहीं तुम उस दोस्त की बात तो नहीं कर रही जो सिर्फ 6 साल का था और चाइल्ड वेलफेयर में उसने तुम्हें दिया था। मीलन पूछती है, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। लीमन बोलता है, क्योंकि तुम इस टाइम पर क्राई बेबी थी। जाती है, ये वही बच्चा है, इसलिए बोलती है, जब मैं छोटी थी तो बहुत ज्यादा रोती थी, इसलिए सभी लोग मुझे बुली करते थे, लेकिन तुम मुझे बचाने के लिए आ जाते थे। एक बार तो चुप कराने के लिए तुमने मुझे अपना लॉकेट भी दे दिया था। जब भी मैं सैड होती हूँ तो इस लॉकेट को देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ।
लीवन बोलता है, ये लॉकेट मेरी मोम का था, उनकी एक यही चीज थी जो मेरे पास बची थी, जो मैंने तुम्हें दे दी थी। मिलन उस लॉकेट को उतार कर देने लग जाती है। इतना प्रीशियस गिफ्ट तुम मुझे कैसे दे सकती हो? लीमन बोलता है, तुम भी मेरे लिए प्रीशियस हो। ये बोलकर वो उसे किस करता है। लीमन के ग्रैंड पापी ग्रैंडमा से मिलने के लिए आ जाते हैं। वो बोलते हैं, मैं अंदर जाकर देखता हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। ग्रैंडमा मना करती है लेकिन ग्रैंडपा नहीं मानते। वो अंदर आ जाते हैं और इन दोनों को किस करता हुआ देख लेते हैं। ये दोनों अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख कर जल्दी से खड़े हो जाते हैं। मिलन बोल दिए, ग्रैंडपा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ग्रैंडपा बोल दिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इसके बाद ये दोनों मिलकर ग्रैंडपा को सारा सच बता देते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं, इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे? लीमन स्माइल कर बोलती है, हाँ हम दोनों ही कर रहे थे। ग्रैंडपा बताते हैं, ये मेरी रियल ग्रैंड डॉटर है। ये सुनकर ग्रैंडमा तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। मुझे लगा हम दोनों की दोस्ती ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, ये दोनों तो हमारे ही ग्रैंड चिल्ड्रन है। ग्रैंडपा बोलते हैं, इनकी शादी के बारे में क्या सोचा है? ग्रैंडमा बोलती है, इन्हीं लोगों से पूछ लो इन्होंने क्या सोचा है। लीमन बोलता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। मिलन भी बोल देती है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये पसंद है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर इनकी शादी फिक्स कर देते हैं। सभी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। मिलन अपने ग्रैंडपा के साथ घर जा रही होती है। रास्ते में मिलन बोलती है, मुझे शीना के बारे में सब कुछ पता चल गया है। ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं भी लीमन की ग्रैंडमा से मिलने इसलिए आया था ताकि मैं उसकी शादी उससे कैंसिल कर सकूं। मैं उन्हें सच ही बताने आया था कि वो मेरी रियल ग्रैंड डॉटर नहीं है। मिलन पूछती है, तो अब क्या करना है? ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम्हारी कंपनी है, तुम जो मर्जी करो, चाहे तो तुम उसे कंपनी से निकाल भी सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर मिलन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे मिलन जैसे ही ऑफिस में पहुँचती है, डायरेक्टर और लूना फिर से उसे बुली करने लग जाते हैं। शीना भी ऑफिस में पहुँच जाती है। वो मिलन के पास बात करने के लिए आती है, तभी वहाँ पर शीना भी आ जाती है। मिलन उसे देख कर आगे जाने लगती है, शीना भी उसके पीछे जाती है। डायरेक्टर भी उसके पीछे आने वाली थी। ये देखकर शीना जानबूझकर अपने ऊपर चाय गिरा लेती है, लेकिन इल्जाम मिलन के ऊपर लगा देती है, तुमने ये क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? डायरेक्टर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये सब करने की? आज चेयरमैन आने वाले हैं, वो इस कंपनी के नए प्रेसिडेंट को चुनने वाले हैं, जरूर वो शीना ही होगी, तुम तो हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट सीन में मीटिंग रूम में सभी एम्प्लॉय बैठे होते हैं। मिलन भी वहाँ पर आ जाती है। लूना बोलती है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम थोड़ी प्रेसिडेंट बनने वाली हो। लेकिन मिलन तो चुपचाप वहाँ पर बैठ जाती है। तभी मिस्टर हुआंग भी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी एम्प्लॉयज को बोलते हैं, आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत कर इस कंपनी को ऊपर तक पहुँचाया है, आज मैं इस कंपनी के नए प्रेसिडेंट को चुनने वाला हूँ। शीना को लगा था वही प्रेसिडेंट बनेगी, इसलिए खड़ी हो जाती है, लेकिन मिस्टर हुआंग तो मिलन को नया प्रेसिडेंट बना देते हैं। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। सभी एम्प्लॉय मिलन पर चढ़ जाते हैं, तुम तो फेक हो ना, रियल ग्रैंड डॉटर तो शीना है ना? मिलन बोलती है, नहीं मैं ही इनकी रियल पोती हूँ। लेकिन शीना भी इसे एक्सेप्ट नहीं करती, तुम झूठ बोल रही हो। उसके बाद मिलन वो रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है, जिससे सभी को पता चल जाता है शीना रियल ग्रैंड डॉटर नहीं है, वो बड़ी चलाकी से यहाँ पर आई है। शीना आकर ग्रैंडपा को बोलती है, मैं आपकी रियल ग्रैंड डॉटर हूँ, आपको पता है ना, तो आप ऐसा क्यों कर रही हो? तभी गार्ड्स आकर शीना को पकड़कर ले जाने लगते हैं, जिसके बाद मिलन लूना और उस डायरेक्टर को भी कंपनी से निकाल देती है। तुम दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है। इन दोनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, अब हमारा क्या होगा? ग्रैंडपा और मिलन एक दूसरे को देख कर स्माइल कर रहे होते हैं। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।